जी आज हम देख रहे हैं आपस में संक्रिया है। पहली संक्रिया है योग। कोई भी दो मैट्रिक्स जिनका क्रम एक ही हो उन दोनों मैट्रिक्स का योग हम कर सकते हैं। अब सपोज अपने पास में दो मैट्रिक्स हैं, ए संक्षिप्त में हमने इसको लिखा है ए आई जे, ऑर्डर है इसका एम क्रॉस एन। दूसरा मैट्रिक्स है बी, संक्षिप्त में लिखा बी आई जे एम क्रॉस एन। अब चूंकि इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो समान है, दोनों का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं और दोनों का जो योग है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी के द्वारा। तो ए प्लस बी इक्वल टू जोड़ते कैसे हैं, दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनके संगत अवयवों को हम लोग जोड़ते हैं। संगत अवयव अगर यहाँ देखें, इसका एलिमेंट आ जाएगा ए आई जे और प्लस इसमें से एलिमेंट आ जाएगा बी आई जे। जो ए प्लस बी है ऑर्डर इसका भी आपके पास में एम क्रॉस एन ही होगा। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं, मैट्रिक्स ए अपने पास में है 2 -3 4, 0 5 और 3। दूसरी मैट्रिक्स है बी, एलिमेंट इस प्रकार से हैं 1 2 -1, 3 0 -2। अब दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग जोड़ें तो ए प्लस बी इक्वल टू, संगत अवयव जोड़ेंगे तो 2 + 1 -3 + 2, 4 - 1, 0 + 3, 5 + 0, 3 - 2, टोटल कर दो, टोटल कर दें 2 + 1, 3 - 3 + 2, 1 - 1, 4 - 1, 3, 0 + 3, 3, 5 + 0, 5, 3 - 2, 1। ये अपने पास में हो गया दो मैट्रिक्स का योग। दूसरी जो संक्रिया है ये आपके पास में आती है व्यवकलन, यानी कि मैट्रिक्स को घटाना। घटाने के लिए भी अपने पास में वही शर्त होती है, अगर दो मैट्रिक्स एक ही क्रम की है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को घटा सकते हैं। उसी प्रकार से घटाते जैसे हम जोड़ते हैं, संगत अवयवों को घटाना है बस। एग्जाम्पल के लिए देखें, यही मैट्रिक्स है तो ए माइनस बी अगर हम यहां से बनाए तो ए माइनस बी इक्वल टू, ये 2 - 1 -3 - 2, 4 और -1 + 1, 0 - 3, 5 - 0, 3 और -1 + 2 बनेगा भाई। घटा देंगे तो 2 - 1 -3 - 2 -5, 4 + 1 5, 0 - 3 -3, 5 - 0 5, 3 + 2 5। ये आपके पास में हो गया दो मैट्रिक्स को घटाना। इस प्रकार से हम कोई भी दो मैट्रिक्स अगर एक ही क्रम की है तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ भी सकते हैं और दोनों मैट्रिक्स को घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणन की। अब हम देखेंगे दो मैट्रिक्स का गुणन। देखिए सपोज अपने पास में कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी। अब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर हो तो मैट्रिक्स गुणन ए बी हम यहां कर सकते हैं। कैसे, देखिए सपोज अपने पास में ये कोई मैट्रिक्स ए है, संक्षिप्त में हमने इसको इस प्रकार से लिखा है ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस पी।
दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिखा b इक्वल टू बी आई जे, ऑर्डर इसका सपोज है p क्रॉस n। अब यहां से अगर हम देखें a में स्तंभों की संख्या p और b में पंक्तियों की संख्या p बराबर है, इसलिए मैट्रिक्स गुणन ए बी कर सकते हैं आप, मैट्रिक्स गुणन कर सकते हैं हम लोग ए बी। और ए बी का यहां पर जो क्रम होगा वो ए बी का क्रम हम इस प्रकार से देखेंगे। देखो भाई ए का ऑर्डर है एम क्रॉस पी और बी का ऑर्डर है पी क्रॉस एम। अभी हमने देखा गुणन ए बी करने के लिए आवश्यक है ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ये हमेशा बराबर मिलेगी आपको, और बराबर मिलती है तो इसको छोड़ देंगे आप लोग, तो बचे आपके पास में एम क्रॉस एन। तो ए बी का जो क्रम बनेगा ये आपके पास में रहेगा एम क्रॉस एन। अब बी ए की अगर अपन बात करें तो बी का क्रम आपके पास में यहां है पी क्रॉस एन और ए का क्रॉस है ए का क्रम है पी क्रॉस एम। देखिए यहां पर ये दोनों बराबर नहीं है तो बी ए संभव नहीं है, और याद रखिएगा ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होता है। एक एग्जांपल से अगर हम देखें, सपोज मैट्रिक्स ए है आपके पास एक दो तीन चार, और एक मैट्रिक्स बी है एक जीरो माइनस दो एक। ए बी और बी ए को देखते हैं हम लोग, सबसे पहले तो ए का क्रम देखते हैं, इसमें दो ही पंक्तियां दो स्तंभ, तो ए का क्रम हो गया दो इंटू दो। बी में देखे दो ही पंक्तियां दो स्तंभ, ऑर्डर इसका भी आ गया दो इंटू दो। सबसे पहले हम बात करें ए बी की, ए बी के लिए भी आपने देखा ए में स्तंभों की संख्या दो बी में पंक्तियों की संख्या दो बराबर है, इसलिए हम ए बी कर सकते हैं। ए बी करेंगे किस प्रकार से देखें, मैट्रिक्स ए को लिख लें एक बार एक दो तीन चार, मैट्रिक्स बी को लिख लें एक जीरो माइनस दो एक। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ध्यान दे, सबसे पहले गुणा करते हैं अपन पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले वन इंटू वन, फिर आ जाएगा प्लस दो गुणा माइनस दो, दो इंटू माइनस दो, फिर नेक्स्ट पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ एक इंटू जीरो प्लस दो इंटू एक, नेक्स्ट दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो तीन इंटू एक प्लस चार इंटू माइनस दो, फिर हम करते हैं दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो जीरो तीन इंटू जीरो प्लस चार इंटू एक, सॉल्व कर दें इसको आप लोग, तो ये अपने पास में बनेगा एक माइनस चार यानी माइनस तीन, जीरो प्लस तीन दो तो आ जाएगा दो, तीन माइनस आठ माइनस पांच, जीरो प्लस चार तो ये आएगा चार। ये अपने पास में मैट्रिक्स गुणन ए बी आ गया जिसका भी ऑर्डर दो इंटू दो ही है। इसी प्रकार से अगर हम मैट्रिक्स गुणन बी ए करें यहां से, तो हम पहले मैट्रिक्स बी को लिखेंगे, मैट्रिक्स बी से आ गया एक जीरो माइनस दो एक, मैट्रिक्स ए से आ गया एक दो तीन चार, मल्टीप्लाई करेंगे आप सबसे पहले क्या करोगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो एक इंटू एक प्लस जीरो इंटू तीन,
पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक इंटू दो प्लस 0 इंटू 4। नेक्स्ट हो जाएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। नेक्स्ट हो जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। इसको अगर आप हल कर दें तो ये बी हमें मिल जाएगा, ऐसे बी ए इक्वल टू 1 प्लस 3 सॉरी 0, तो 1 2 प्लस 0 2 -2 प्लस 3 1, -4 प्लस 4 0, ये आपके पास में पी आ गया। अब देखिए जरा, हम देख सकते हैं यहां पर मैट्रिक्स ए बी और बी ए बराबर नहीं है, इस प्रकार से हम कोई भी दो मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं।